नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आज मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित मुनस्यारी में बारिश व उच्च हिमालय में हिमपात हुआ। जिले के अन्य स्थानों पर भी हवा के साथ हल्की बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। सोमवार की सुबह धूप थी और दोपहर में आसमान में बादल छाने लगे थे और कुछ देर बाद जिला मुख्यालय बारिश व हल्की ओलावृष्टि हुई। इस दौरान बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। बारिश देर सायं तक जारी थी। राज्य स्थापना दिवस से पूर्व वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग राज्य आंदोलनकारी कोकू मेहर ने की है। उन्होंने इस मांग का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। राज्य आंदोलनकारी मेहर ने कहा है कि राज्य गठन के 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अभी तक राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले कई आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं। बीते लंबे समय से वंचित राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग करते आ रहे हैं, पर अभी तक चिन्हीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र मेहता के पिता 83 वर्षीय उदय सिंह मेहता का आज दोपहर को निधन हो गया है। वे बीते दिनों से कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को थल रामगंगा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधायक धारचूला हरीश धामी, विधायक डीडीहाट विशन सिंह चौपाल के साथ ही पर्वतीय पत्रकार संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार उत्पात मचाने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत थानाध्यक्ष डीडीहाट सुरेश कम्बोज के नेतृत्व में अपर उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा व पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान डीडीहाट क्षेत्रांतर्गत उत्पात मचाने वाले आरोपी लोकेश सिंह देवा को धारा 170 BNSS के तहत किया। थानाध्यक्ष जाजदेवल प्रकाश पांडे के नेतृत्व में उप निरीक्षक आशीष रावत व पुलिस टीम द्वारा पुलिस के आदेश निर्देशों की अवहेलना करने वाले दीपक भंडारी को धारा 172 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों व धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले 173 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बहला फुसलाकर नाबालिग किशोरी को भागकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 1 नवंबर को रुड़की निवासी एक नाबालिग के परिजनों ने तहरीर देकर आरोपी सुमित कुमार द्वारा किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करने हुए सघन चेकिंग अभियान व विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए आरोपी व अपहर्ता को दापकी कला थाना लक्सर जनपद हरिद्वार से बरामद कर लिया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक पंकज कुमार व कांस्टेबल अर्जुन शामिल थे। घर में घुसकर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर पीड़िता की मां के साथ गाली गलौज व मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस नाबालिग पीड़िता के चाचा द्वारा थाना रीठा साहिब में तहरीर देते हुए बताया कि उनके पड़ोसी त्रिलोक सिंह बोहरा निवासी मार्डियल चौड़ा पीता थाना रीठा साहिब द्वारा 2 नवंबर की रात उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग भतीजी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पीड़िता की मां के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार आरोपी के खिलाफ मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना ADSI साबिया अंसारी के सुपुर्द की गई। SSP के आदेशानुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष रीठा साहिब कमलेश भट्ट की अगुवाई में टीम का गठन कर जानकारी जुटाते हुए आरोपी त्रिलोक सिंह बोहरा को बीते दिवस गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुका। अल्मोड़ा के सुर्ख क्षेत्र में हुए दुखद हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। सोमवार सुबह अल्मोड़ा जनपद के सुर्ख क्षेत्र में रामनगर जा रही बस मरचूड़ा के कुपी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 36 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। घायलों को शीघ्र उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। CM धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के ARTO प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही CM ने मृतक परिजनों और घायलों को सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए।
आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल अल्मोड़ा के पदाधिकारियों ने बस दुर्घटना में मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।